अब तक गोबर बेच के पैसे कमाते थे, लेकिन अब गौमूत्र बेच के भी पैसे कमाएंगे। प्रति लीटर 4 रुपये गौमूत्र की खरीदी छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हो गई है। ये गैयाओं को देखिए, गौठान में इस वक्त मौजूद हूँ मैं। इसी गौठान में आज गौमूत्र की खरीदी शुरू हुई है और 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से गौमूत्र की खरीदी यहाँ पे की जा रही है। और कैसे इसकी खरीदी की जा रही है, इस पूरी प्रक्रिया को आपको दिखाएंगे कि अगर कोई गौमूत्र बेचता है तो उसको कितना इससे पैसा मिलेगा, कितना उसको फ़ायदा होगा, इन सभी चीज़ों को आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, गौमूत्र के लिए यहाँ पे खरीदी के लिए पूरी व्यवस्था करी गई है। बाल्टियों में लोग गौमूत्र लेकर पहुँचे हुए हैं और इसकी अभी यहाँ पे तौल होगा। ये देखिए, यहाँ पे तौल के लिए 4.86 मतलब 4 लीटर से अधिक गौमूत्र यहाँ पे रखा हुआ है। और 4 लीटर गौमूत्र आपका है क्या? हाँ, 4 किलो, 4 किलो हमारा है। अच्छा, कितने गाय हैं तो आपके घर? अरे यहाँ 20 गाय है। कितना लीटर गौमूत्र इकट्ठा हो जाता है अभी? मतलब 5-6 लीटर हो जाता है। हाँ। तो 1 लीटर गौमूत्र का कितना पैसा मिल रहा है? 4 रुपया मिलता है। 4 रुपये? हाँ, तो अभी 5 लीटर है तो 20 रुपया कमाया हूँ। अच्छा। हाँ, तो इस योजना से कितने खुश हैं आप कि घर में, और कुछ इससे मुनाफा होगा? हाँ, बहुत मुनाफा है। अच्छा। हाँ, तो एक ग्राहक है, इनके घर में 10 से 12 गाय है और प्रतिदिन 4 से 5 लीटर गौमूत्र इकट्ठा होता है और उसी की बिक्री करने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो खरीदी तो मैं बता दिया, लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात कि कौन सा कोई गौमूत्र फर्जी तरीके से यहाँ पर लेके आता है, उसमें पानी डाल के लेके आता है, तो इसको चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई पानी डाल के लेकर आता है तो उसको भी यहाँ पर पता लगाया जा सकता है। ये कैसे चेक करते हैं बताइए रितेश जी? ये पीएच मीटर है और पीएच मीटर है और ये पैरामीटर है उसमें। हाँ। कि कितने हमको बीज का लेना है। हाँ। गौमूत्र एनुअल 7 से 8 डिग्री के बीज का लेते हैं हम लोग। चेक करके बताइए जरा। हाँ। ये 9 पे आ रहा है। अच्छा, 9 पे आ रहा है। 9 पे आ रहा है मतलब ये बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ, हमको यही अनुपात का गौमूत्र लेना है। अच्छा जी, ये बताइए कि यहाँ पे अब तक कितने गौमूत्र की खरीदी हो गई, कितने लीटर? जी, 60 से 70 लीटर गौमूत्र की खरीदी हो गई। 100 लीटर पर डे खरीदी का लक्ष्य है। अच्छा, मुझे बताइए कि गौमूत्र से क्या क्या बना रहे हैं? यहाँ खरीदी तो हो गई, लेकिन उसको करेंगे क्या, क्या बनाएंगे, या उत्पाद के बारे में बताइए गौमूत्र से क्या क्या? गौमूत्र से सर्वप्रथम हम बनाएंगे जैविक कीटनाशक ब्रह्मशास्त्र। हाँ। ये किस काम का रहेगा? ये फर्टिलाइजर जो हम लोग यूज करते हैं मार्केट में, वैसा ना हो कि गौमूत्र से बना हुआ एक कीट नियंत्रक है ये। हर प्रकार की फसल में ऐसे यूज किया जाता है। दूसरा क्या है रंगीन? दूसरा ये है, फिनाइल है ये। गौमूत्र से अर्क निकाल के प्रोसेस करके ये फिनाइल बनाया गया है। ये बताइए मुझे कि कितने लीटर गौमूत्र से ब्रह्मास्त्र जो कीटनाशक दवाई बनेगी? 10 लीटर गौमूत्र से 5 लीटर ब्रह्मशास्त्र बनता। 1 लीटर कितने रुपए में बिक रहा है या एक डब्बा? 100 रुपए का 1 लीटर हमने तय किया। तो इसकी जो खरीदी जो आप कर रहे हैं, तो जो बेचने वाले आ रहे हैं ग्राहक, उनको पैसा कौन देगा और कब तक उनको पैसा मिल जाता है या तुरंत मिलेगा? जी, इसका गौठान संचालन समिति इसका गौमूत्र खरीद रही है और वो ही उसका पैसा देगी। और जो हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं उसका पैसा हम इसे बेच के निकालेंगे। और इसकी बहुत मार्केट में डिमांड है और कृषक जो है हाथों हाथ लेता है, और जिसके घर में गार्डनिंग करते हैं लोग, वो कीटनाशक के तौर पर ये हमारा बिकता है। ये बताइए कि यहाँ लक्ष्य तो आपका 100 लीटर का पर डे का है, तो 100 लीटर का पूरा यही फिनाइल और ब्रह्मास्त्र बनाएंगे? जी, 100 लीटर का हम ब्रह्मशास्त्र, फिनाइल और गौर्क बनाएंगे। अच्छा जी, तो इसका बिक्री कहाँ पे करेंगे कि यहीं लोग आएंगे खरीद? डी मार्ट के माध्यम से ये बिक्री किया जाएगा और हमारे गौठान में बहुत सारे पशुपालक आते हैं और पशुधन विक्रेता आते हैं। हाँ। जो गांव में प्रोडक्ट खरीदते हैं उन पे बहुत सारी हमारी डिमांड आते रहती है। फिनाइल हम बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं, लेकिन ब्रह्मशास्त्र जो है, अभी हम वर्मी कल्चर जब से बेच रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट जब से बेच रहे हैं, तब से इसकी डिमांड आ रही थी कि जब खाद यूज़ कर रहे हैं तो कीटनाशक भी हम जैविक यूज़ करें, तो इसके ग्राहक हैं हमारे पास। योजना के बारे में ज़रा बताइए कि कितना अच्छा है छत्तीसगढ़ के लिए? छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। पूरे देश को हम दिखाना चाहते हैं कि हम जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं और कर्ज मुक्त जैविक खेती से खुशहाल किसान और कर्ज मुक्त किसान रसायन मुक्त खेती की ओर बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर पहली बार तो 2020 में गोबर की खरीदी शुरू की गई
प्रति किलो 2 रुपए से। अब गौमूत्र की भी खरीदी की जा रही है प्रति लीटर 4 रुपए के हिसाब से, और खरीदी भी शुरू किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग चिन्हांकित गौठानों में इसकी खरीदी की जा रही है और लोग पहुंच रहे हैं, पशुपालक गौमूत्र बेचने के लिए भी पहुंच रहे हैं और उनको भी मुनाफा इससे हो रहा है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मिरी।